आप देख रहे हैं लास्ट रिएक्शंस और आज की वीडियो में क्या करोगे तुम? मुझे नहीं पता है किस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं क्योंकि पता है नहीं मैंने क्योंकि ये सारी वीडियोस है वो ओके ओके अब ये मत बोलो कि मैं मैनेजर हूँ ये तुम्हारी ये वो आई एम नॉट यस आई कैन सी दिस सॉरी अच्छा तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कपिल शर्मा आई एम नॉट डन येट ये इनका ऑफिशियल ट्रेलर है ये बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स पे आने वाला है तो ये बहुत बड़ी बात है बड़ी बात अब ये टीवी से नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट हो गए तो गुड लेट्स स्टार्ट ये बोलेंगे पहले अच्छा सही है मेरे दोस्तों को पता चला तो वो लोग मुझे पूछते कहते तू क्यों जा रहा है नेटफ्लिक्स पे मैं जा रहा हूँ बिकॉज आई फील आई एम नॉट डन येट ये जो लाइन है ये मेरी लाइफ के साथ बढ़ा जाती है पीछे के सामने खड़ा होकर बार बार दोहरा रहा था I'm not done yet. पीछे से मेरी बाइक ने तकिया मारा मुझे फेंक के बोलती 1.5 साल में 2 बच्चे हो गए व्हाट्स योर प्लान घर बनाने की बात बहन की शादी की बात ये तो पापा कह गए लेकिन घर किसके साथ बसाना है ये मेरे को मालूम था वो थी गिन्नी मेरी वाइफ एक स्कूटर वाले लड़के से क्या सोच के प्यार किया था तुमने मैंने सोचा कि पैसे वाले से तो सभी प्यार करते हैं इस गरीब का भला ही कर दो जितने भी ट्वीट से मैंने कंट्रोवर्सी करी वो सारे ट्वीट मेरे नहीं थे कुछ जैक डैनियल के थे हालांकि पर फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए आप किसी आर्टिस्ट को ब्लैक लेबल नहीं कर ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते ना काफी फनी लग रहा है ये काफी हाँ मतलब और कुछ हटके लग रहा है मतलब जो इनका जो शो होता है उसमें सिर्फ ये नहीं होते और बहुत सारे उसमें आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और फिर सेलिब्रिटी अभी तुमने पूरा वो नहीं देखा ना शो उसके अंदर हो सकता है कि क्या आगे से क्या लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्टैंड अप कॉमेडी टाइप का क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं ऐसे टेबल्स पे और वो खड़े हुए बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी तो ये बहुत मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसी चीज देखने को मिल रही है क्योंकि इनके शो में तो बहुत सारे लोग होते हैं स्टेज पे इंडिया में बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं बहुत सारे हैं डिफरेंट करते रहते हैं उनकी आती रहती हैं वीडियोस और पॉपुलर भी हैं लेकिन अगर कपिल शर्मा इसको इस तरह से नेटफ्लिक्स पे जब जैसे स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बड़ी तो, बात है ये हाँ बिकॉज उन्हें फेम की जरूरत नहीं है he is already famous और उसी फेम की वजह से वो वहां तक पहुंचे हैं मतलब उस जगह पे उस लेवल पे जो कि बहुत लोग नहीं है वहां पे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कॉमेडी करते हैं और करते वो फेम के लिए करते हैं करते भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग नहीं काफी से स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो कि उतने पॉपुलर नहीं है वो फेम के लिए करते हैं बट कपिल शर्मा को किसी फेम की जरूरत नहीं है और सो ये इंडिया के ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो कि हम लोग देखते हैं बट जितना हाई लेवल इनका है और जो बात इनकी है जितने लोग इन्हें जानते हैं जितना प्यार करते हैं और जितनी मतलब जितना अच्छा एक इनका पूरा अपना शो है जिस तरीके से इनकी जो है वो सक्सेस हुई है वो मुझे नहीं लगता किसी और की हुई है इनके लिए अच्छा मैंने बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज भी सुनी हुई है इनके बारे में एक मैंने जो है ये भी सुना हुआ है कि कपिल शर्मा में जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो सब जो हैं जितने भी एक्टर्स हैं वो सब इनकी वजह से जो है वो एक करके जो छोड़ जाते हैं या जो भी है मतलब इनकी वजह से क्यों छोड़ के मतलब कुछ आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और मतलब सुनील ग्रोवर कभी मुझे यही जो है वो था कि वो भी इसीलिए गए फिर आपका अली जो थे वो भी इसीलिए गए तो मतलब ये चीज जो भी वापस आ गए उनका नाम क्या है वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं कीकू नहीं एक और है वो
पता नहीं क्या नाम है उनका, मुझे नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, बट वो अभी वापस आ रहे हैं। कपिल शर्मा की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनको देखकर इंसान को हंसी आती है, उनको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती और उनको बस हम देखते हैं एंड वी जस्ट स्टार्ट लाफ। और ये बहुत ये एक छोटा सा जो ट्रेलर है क्लिप है, ये बहुत अच्छा लग रहा है और इससे अंदाजा हो रहा है कि वो जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा ये शो वो किस लेवल का होगा। और साथ में एक बहुत खास बात है जो इसके अंदर है वो ये कि जो इनके इनके शो में नहीं होती, एक तो पहली बात ये कि अकेले स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि इनकी वाइफ भी है, मतलब इनके शो में इनकी वाइफ नहीं आती, मैंने तो नहीं देखा और ना ही इस तरह से उनकी इंट्रैक्शन होती है, लेकिन इसके अंदर उनकी इंट्रैक्शन भी देखने को मिली है फर्स्ट टाइम टीवी पे, और वो जिस तरीके से मतलब उनकी कॉमेडी भी देखने को मिल रही है तो वो एक प्रोमैक्स वाली बात हो गई कि वो भी फिर जवाब दे रही है उनका सवाल, तो ये चीज अच्छी है। हाँ, दूसरा इसमें इनोवेटिव ये है कि उस शो का पैटर्न सबको अलग होता है, इस शो यहाँ का जो है वो पैटर्न अलग है, यहाँ पर जो है वो देखते हैं अब कितने मिनट का कितने टाइम का ही होगा और कितने मिनट में जो है वो कितने शेड्स, क्योंकि अभी हमने अगर इस वीडियो को देखा है तो बहुत सारे शेड्स लग रहे हैं इसमें डिफरेंट तरह के। इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें मोटिवेशन स्टोरी भी, मोटिवेशन लेवल की स्टोरी भी हो सकती है। एग्जैक्टली, वो भी हो सकती है क्योंकि शो का नाम है आई एम नॉट डन येट, तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन वाला फील आ रहा है। हाँ, आई एम नॉट डन येट, इसका मतलब यही होगा कि अभी मतलब वो इससे मतलब बहुत पॉपुलर है, उनको काफी फेम मिला हुआ है, मूवी भी कर ली उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी अभी काफी चीजें उनकी जो, और उसके बावजूद वो यही कहते रहते हैं कि आई एम नॉट डन येट, आई एम नॉट डन येट, तो ये इवन के उनकी ब्रांड वैल्यू भी अच्छी खासी और एड्स में वो बहुत। और मैंने तो सुना है कि बड़े बड़े मतलब जो सेलिब्रिटी की जो जो वैन्स होती है जिसमें वो बैठते हैं उनसे ज्यादा महंगी जो वैन है वो कपिल शर्मा की है, और कपिल शर्मा की इवन एक्ट्रेस खुद आपके शो में जो है वो कलम कुल्ला ये बोल रहे, स्पेशली अक्षय कुमार कहते हैं कि ये तो बंदा इतना लूट रहा है ना सनी टीवी को, तो उनकी लेकिन एक बात अच्छी है कि कितना ही उनके पास हो लेकिन कभी भी वो शो ऑफ नहीं करते, हमेशा डाउन टू अर्थ। और मैंने उनकी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें जैसे वो कहीं से कोई सेलिब्रिटी गुजर रहा होता है तो प्रेस वाले नहीं आ जाते कि आप तस्वीर दो, ये वो, तो उसके अंदर भी वो लोग इतना अच्छे से उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और कपिल शर्मा मतलब बिल्कुल सेलिब्रिटी वाला उनका रवैया नहीं है, वो इतने अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं जैसे कोई दोस्त हो आपस में, आया ले लो ये वो, और वो प्रेस वाले भी उनको कोई पाजी पाजी बोल रहे हैं, कोई उनको उसके साथ कोई मतलब इस तरह का रिलेशन नहीं है कि हाँ कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी है वो, तो वो कभी इस तरह से नहीं अपने आप को रखते, अपने आप को नहीं रखते। और दूसरी बात ये कि जब वो शो डिफरेंट एक्टर्स आते हैं तब भी जो उनके डायलॉग्स होते हैं, तब भी जो वो बातें कर रहे होते हैं कहीं से भी पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कोई आम बंदा और वो यही दिखा रहे होते हैं कि, और शो में भी वो यही करा रहे होते हैं कि भाई हम तो भाई यहाँ से लुधियाने से आए हैं, हम तो पराठे खाते थे, मतलब उन अभी भी उनकी जो बातें वो वही हैं जो टिपिकल मिडिल क्लास लोगों, और फिर उन्होंने अपनी इंग्लिश को जो है वो इतना ज्यादा उनका एक वो उड़ता है इस बात पर, तो कोई और हो तो वो उसके ऊपर जो उसके लिए एक अलग बात हो फील। हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनको यूनिक बनाती हैं और बाकी सारे कॉमेडियन से। सो वी लव कपिल शर्मा और बहुत अच्छी जो है वो कॉमेडी करते हैं, अब देखते हैं लेट्स सी कि इसके अंदर, कपिल शर्मा का है तो जाहिर बात है कि वो आने से पहले ही पॉपुलर है और होगा ही, क्योंकि वो जब भी कुछ बोलते हैं, जब भी कुछ जो है वो कॉमेडी करते हैं तो वो जाहिर बात है हर कोई सुनता है और हर एक को अच्छी लगती है। एग्जैक्टली, तो आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच दिस, और कुछ नया लग रहा है, कुछ हटके लग रहा है, कुछ मजेदार सी, और उनका जो सेटअप जिस तरह बनाया गया है पूरा रेड रेड वाइब्स जैसा लग रहा है, जैसे कोई ओपरा सिंगर इस तरीके की वाइब्स आ रही है, तो वो इतना अच्छा लग रहा है आंखों को देखने में भी, क्योंकि आम रूटीन के शोज से थोड़ा हटके उनका सेटअप बनाया गया है, तो बहुत अच्छी चीज लग रही है। तो अब देखते हैं जब ये रिलीज होगा कि किस तरह से है, और हाँ, तो ये था हमारा आज का रिएक्शन। होपफुली आपने करना ये कि हमारे चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजिम, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं जो आपकी रिक्वेस्ट हो, और बस दैट्स इट। होपफुली आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा, और लगा है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, अपना कोई भी सजेशन जो आप देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।